वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा बीपीएल महाधमाका, बीपीएल मकान मरम्मत 80,000 रुपये सभी को जल्दी करो भाई। धमाका फार्म भरने की तारीख जारी कर दी, और ये जो फार्म भरने की तारीख थी ये 4 दिन पहले हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई थी, वो लेटर जारी किया गया था, मैंने तब आपको दिखाया था। अब इसकी कागजों की सूची जारी कर दी है, अपने कागज जल्दी से जल्दी तैयार कर लो। जैसे ही फार्म शुरू होंगे मैं फार्म भरने भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों 1 नवंबर से आपके फॉर्म भरने मकान मरम्मत के दोबारा शुरू होंगे। हाल ही में 365 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने जारी करने का काम किया था। 10 दिन पहले उनका मकान मरम्मत का, जिसने पहले भरा था उनका जारी किया था। तो भाई जिसका नहीं आया वो दोबारा से अप्लाई कर देना, और जो पहले रह गया था फॉर्म भरना वो अब जो है फिर दोबारा भर देना। रेवड़ियों की तरह साथियों अब आपको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है चुनाव सर पर है, आप सभी को ऐसे ही बम्पर तोहफे आपको दिए जाएंगे। अगर इस लूट से भी बच गए तो भाई फिर आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही योजना बंद, सारी चीज़ें फिर 4 साल बाद ही पैसा जारी किया जाता है। फॉर्म तो मंगवाया जाता है लेकिन पैसा जारी नहीं होता। तो दोस्तों ये बड़ा धमाका, जैसे बुढ़ापा पेंशन 3 साल से इन्होंने नहीं बढ़ाई थी, अब बढ़ा दी, फिर आप 2 महीने पहले बढ़ाई, अब फिर सीएम ने ऐलान कर दिया 3100 का, कि भाई 1 जनवरी 2024 से 3100 मिलेगी। तो अपने कागज़ तैयार कर लेना, मैं कागज़ों की लिस्ट दिखा दूंगा, और जैसे ही 1 नवंबर से फॉर्म भरने शुरू होंगे आपको फिर स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडियो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे 80,000 रुपये। तो दोस्तों ये आज के जितने भी लोकल समाचार हैं ये सभी समाचारों में प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे 80,000 रुपया। दोस्तों इसमें पहले ये पहले प्रदेश में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा, इसको कौन देता है, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग देता है। पहले जो ये था ये अनुसूचित जाति के लिए मिलता था, फिर इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया, फिर सीएम साहब ने कहा नहीं भाई किसी चीज किसी भी योजना का लाभ हम उसकी जाति के आधार पर नहीं देंगे, अब हम जो है उसको जो लाभ देंगे उसकी इनकम के आधार पर देंगे, यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर देंगे। यानी जिसका बीपीएल है, चाहे वो जर्नल है, ओबीसी है, चाहे वो आपका एससी एसटी है, कोई है, सबको देंगे अगर बीपीएल है तो। इसमें पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब इसमें 80,000 रुपये कर दिए गए। इस योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में मकान मरम्मत कहते हो। दोस्तों सरकार ने पिछले वर्ष इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के साथ मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग संबंधित है, बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। इसमें जो पैसा देता है ये डिपार्टमेंट पैसा देता है साथियों, लेकिन अब इसमें सभी को शामिल, इस योजना में सभी को शामिल कर लिया गया है, चाहे कोई भी है। यदि इसकी जो शर्त है, यदि पहले मकान निर्माण के लिए या फिर अपने समय में के निर्मित मकान को बढ़ाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया है हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो इसके अंदर शर्त क्या है, नंबर एक, मकान जो है आपने अगर आपने पहले लिया है, कभी भी पहले मकान मरम्मत का लाभ लिया है, मकान स्कीम का लाभ लिया है, तो आपको जो है 10 साल उसी लाभ लिए हो चुके हों तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। यदि आपने कभी लिया ही नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथियों शहरी आवास योजना के नए मकानों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ग्रामीण आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के फॉर्म भी बहुत जल्द भरे जाएंगे, जैसे ही भरे जाएंगे आपको सबसे पहले सबसे तेज बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आपको फॉर्म को भरना है, 1 तारीख से ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे। अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आपको ये फॉर्म भरवाना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका बीपीएल
न होना चाहिए, यानी टर्म एंड कंडीशन देख लो, जरूरी कागज आप देख लो भाई क्या क्या जरूरी कागज है। नंबर एक, वो हरियाणा का स्थायी निवासी हो, यानी उसका हरियाणा रेजिडेंस होना चाहिए, हरियाणा का निवासी होना चाहिए। दूसरा, उसका बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, चाहे उसका डबल एवाई हो, चाहे उसका गुलाबी हो, कोई सा हो या पीला हो, साथियों एसबीपीएल जिसे आप बोलते हो, चाहे कोई सा बीपीएल हो, बीपीएल होना चाहिए। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। यदि आपकी जाति एससी एसटी और ओबीसी है तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, यदि आप जनरल से हो तो फिर जाति प्रमाण पत्र जनरल का तो होता ही नहीं है। अपना घर होना चाहिए, प्रार्थी का फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए और एससी बीसी जाति का प्रमाण पत्र जो भी आप हैं वो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आपका पैसा आएगा, मोबाइल नंबर होना चाहिए, घर के साथ फोटो होना चाहिए। तो साथियों डॉक्यूमेंट्स देख लो, फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर एक राशन कार्ड, नंबर दो साथियों कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप रिजर्व कैटेगरी से, तो नंबर तीन आधार कार्ड, नंबर चार बैंक खाता जिसमें आपका पैसा डलेगा, नंबर पांच आपका मोबाइल नंबर, नंबर छह घर के साथ आपको एक फोटो खिंचवाना है। मान लो जिस घर का आपको मकान मरम्मत का पैसा चाहिए उस घर के सामने खड़े होकर आपको फोटो खिंचवाना है। नंबर आठ, उस फोटो का एडिट मत करना, कभी खूबसूरत बनने के चक्कर में मकान टूटा फूटा उसको खूबसूरत बना दो भाई, ये काम नहीं करना है आपको। साथियों नंबर पांच, आपका बिजली का बिल या फिर घर की रजिस्ट्री या फिर पानी बिल में से कोई सा जो है एक कागज आपके पास होना चाहिए, यानी बिजली बिल हो या फिर घर की रजिस्ट्री का कागज हो या फिर पानी का बिल हो, भाई इनमें से कोई दो कागज आपके पास होने चाहिए, साफ साफ इनमें से कोई भी दो आपके पास होने चाहिए, और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र। ये जो प्रमाण पत्र होता है मकान मरम्मत पर अनुमानित खर्च का, ये सीएससी वाला निकाल देगा आपको, ये तुरंत निकलता है, तुरंत आपको ये भर देना है, वो सीएससी वाला ही भर देगा, आपको उसमें लागत दिखा देनी, भाई इतने की ईंट आएंगी, इतने का सीमेंट का कट्टा आएगा, इतने का मिस्त्री लेगा, इतने का खर्चा इसमें बैठेगा। तो साथियों ये इसके पूरे जरूरी कागज थे जो हमने आपको बताए हैं, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।